नमस्कार, RIRS रिट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी ये किस दूरबीन से होती है और किस लेजर से होती है, ये कितनी मोटी होती है इसकी दूरबीन और लेजर फाइबर कितना मोटा होता है, हमारे दर्शकों का ये काफी कॉमन सवाल होता है कि ये दूरबीन कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है और ये कितनी लंबी होती है और कैसे ये पेशाब के रास्ते से सीधा किडनी तक पहुंच जाती है, कैसे हम इसको लेकर जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं डेमोंस्ट्रेट करूंगा कि हम किन दूरबीन से, किस स्कोप से हम इस RIRS प्रोसीजर को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे फ्लेक्सिबल स्कोप से, इसी को ही हम रिट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मिलवाते हैं उस दूरबीन से जिससे हम RIRS या फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी करते हैं। ये हमारी दूरबीन रहती है और ये बिल्कुल एक वायर के जैसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली फ्लेक्सिबल वायर है, ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर सकती है, बिल्कुल जैसे एक आपने देखा होगा। अब बात करते हैं कि कितनी चौड़ी है या ये कितनी बड़ी है। तो ये हमारा एक पेन है, अगर इस पेन के हम एक सिक्के को रिमूव करते हैं और इस सिक्के को इसके साथ में रखते हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सिक्के के बिल्कुल बराबर है, जो एक पेन का सिक्का होता है उसके बिल्कुल बराबर है। और इसकी क्या खास विशेषता है इस दूरबीन की, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये दूरबीन का सारा कंट्रोल ना हमारे हाथ में रहता है, कुछ बटन इधर रहते हैं और कुछ एक हैंडल इधर रहता है, तो अगर हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो ये ऐसे मूव कर सकता है पूरा, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखिए बिल्कुल आपको बुला रहा है, ये देखिए ये पूरा ये मूव कर सकता है, इसके सारे कंट्रोल्स ये सब हमारे हाथ में रहते हैं। ये देखिए ये इंडस्ट्री में यूज होने वाला, ये मेडिकल प्रैक्टिस में यूज होने वाला सबसे पतला यूरेट्रोस्कोप है। तो ये देखिए आप ये पूरी मूवमेंट्स को, अच्छा अगर हमको बाएं जाना है तो ये हम उसको भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट और ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये अलाउ करती है हमको किडनी में अंदर किसी भी एरिया में जाने के लिए। तो यही एडवांटेज है, यही टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है जिसकी वजह से हम RIRS को कर पाते हैं। ये होता है हमारा स्कोप। ये तो रही स्कोप की बात, अब हम बात करेंगे कि स्कोप जाने भर से तो स्टोन नहीं टूटेगा, तो स्टोन को तोड़ेंगे कैसे। तो उसके लिए होती है हमारी लेजर, ये आप जूम करके दिखाएं दर्शकों को, ये हमारी लेजर फाइबर होती है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसी फ्लेक्सिबल होती है। इसका साइज एक बाल के समान होता है, अगर मैं सिक्के को वापस लेकर आऊं तो आप ये देख सकते हैं कि सिक्के से भी बहुत ज्यादा पतली है और एक बाल के समान है, जैसे पतला बाल होता है। तो हम अब कैसे करते हैं तो मैं आपको भी डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ये हमारी दूरबीन है जो हमारा स्कोप है, इस फाइबर को हम लेते हैं और इसके अंदर ये चैनल होता है, इस चैनल से हम इसको पास करवाते हैं, जा रहा है इससे, इसमें एक चैनल होता है जिससे इसको इस फाइबर जो है आराम से पास हो जाता है। और पास होने के बाद अब आप देखेंगे ये बिल्कुल आगे से निकल आता है, मैं अगर दिखाऊं आपको तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम ये इस दूरबीन को पूरा इसके अंदर डाल दे रहे हैं और इसका एक हिस्सा ये देखिए दूरबीन का ये निकल कर आता है और जब हमको जरूरत होती है स्टोन को तोड़ने की तो ये फाइबर को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं और इस पूरे असेंबली को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं फाइबर के साथ भी। तो ये मूवमेंट्स और ये टेक्नोलॉजी हमें गाइड करती है, ये हमें हेल्प करती है किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए। एक बार में हम ऑलमोस्ट काफी स्टोन्स को कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं होती, यूजली 90-95% हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती पहले स्टैन डालने की, वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमारे स्कोप का साइज बहुत ही छोटा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में, RIRS के बारे में समझ गए होंगे कि कैसे ये स्कोप रहता है, कैसे ये लेजर फाइबर रहता है, जान गए होंगे इस प्रोसीजर के बारे में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हम Instagram पे भी अवेलेबल हैं, छोटी रील्स भी या शॉर्ट्स भी हम बनाते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। मेरे Instagram चैनल को भी फॉलो करिए द क्योर स्टोन के नाम से। धन्यवाद।